गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर वन ही चल रहा है जो कि रिवीजन है। ठीक है, ये है कंप्रेसर नंबर्स। इसमें बताया है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर ईच रो, हर रो में स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर को आपको सर्कल करना है। आप देखो 78, 7, 47, 96 और 62, तो सबसे स्मॉल नंबर अपना क्या हो गया 7। नेक्स्ट है 54, तो हमें किस पे सर्कल करना है, इस पे 54, 21, 85, 32 और 93, तो अपना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 93, नो 85, नो 32, नो 54, नो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अपना है 21। अब इनमें आपको करना है, अब इस तरीके से यहीं पे आते हैं अपन, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। सब अब यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट नंबर किया था, अब यहाँ हम ग्रेटेस्ट नंबर कर रहे हैं। कौन सा नंबर कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा नंबर। जैसे 92, 33, 1, 45, 29, इसमें सबसे बड़ा सर्कल अपना नंबर है 92। नेक्स्ट है 21, 52, 34, 59 एंड 68, तो अपना इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 68। 52 से बड़ा 59 और 59 से बड़ा है अपना 68। नेक्स्ट है 36, 13, 91, 9 एंड 10, तो अपना इसमें सबसे बड़ा सर्कल डिजिट कौन सी हो जाएगी 91। इस तरीके से, क्योंकि 91 इनमें सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 37, 87, 60, 57, 70, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर है अपना 87। इस तरीके से इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आपको देखना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर इज अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग बड़ा होता है बड़े से छोटा। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे 63, 81, 29, 13 और 75, तो हमें क्या करना है, छोटे से बड़ा बनाना है। सबसे छोटी डिजिट अपनी कौन सी है 13, यहाँ हमने लगा 13। फिर आती है अपनी 29, हमने लिख दिया 29। फिर आती है 63, हमने लिख दिया यहाँ पे 63। फिर है 75, 75, 81। ठीक है ना, अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें से सबसे छोटी डिजिट अपनी, देखो आप कौन सी है 24, यहाँ हम लिखेंगे 24। फिर अपन देखते हैं 2 की डिजिट में नहीं है, अब हम लेते हैं 3 की डिजिट में कौन सी आती है 39। नेक्स्ट हमारी है 39। 39 के बाद हम देखते हैं 4 की डिजिट, 4 में हमारी डिजिट है 45। 4 के बाद आती है 5 की डिजिट, 5 की डिजिट है यहाँ पे 53। 53 के बाद हम देखते हैं 6 की डिजिट कोई नहीं है, 7 की डिजिट नहीं है, इसमें 8 की डिजिट नहीं है, फिर सबसे बड़ी है 92, 9 की डिजिट है 92, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट अपनी 92। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। यहाँ पे हमें देखना है सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है 95, यहाँ पे 95, उससे छोटी 8 में आते देखते हैं तो 81 आ गया। 7 की डिजिट आती है, 8 के बाद 7 डिजिट आती है, 17 भी आ गया। और 7 के बाद 6 आती है, 6 की कोई डिजिट नहीं है, हमने नहीं लिखा। 6 के बाद 5 की डिजिट आती है, यहाँ पे है 5 की डिजिट 57, तो हम यहाँ पे 57 लिख रहे हैं। और लास्ट में 4 की नहीं है, इसमें 3 की नहीं है, लास्ट में है 2 की डिजिट, यहाँ पे हम 28 लिख रहे हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 58, 58 लिया अपन ने। फिर इसमें हम ढूंढेंगे 4 की डिजिट कौन सी है, 5 के बाद 4 डिजिट 40 ले लिया हमने। 5 के बाद 4 के बाद हम लिखेंगे 3 की डिजिट, 3 की डिजिट कौन सी है 36, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया। अब इसमें 2 की डिजिट ढूंढा नहीं है, अब हम 1 की डिजिट लेंगे 14 और 8। इस तरीके से हमें छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। ठीक है, ये आपका बाकी का आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम एक्सपेंडिंग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। 63 टेंस एंड 17 क्या हो गया वंस, तो 60 प्लस 7, 6 कौन सी है टेंस की डिजिट में
और वन कौन सेवन किसकी डिजिट है, वन की डिजिट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स क्या है टेंस की डिजिट और सेवन है वन की डिजिट। अब इनमें हम टेन की डिजिट कौन सी है फाइव, तो यहाँ हम लिख देंगे फाइव और वन की डिजिट कौन सी है नाइन, तो यहाँ हो जाएगा नाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्टी, यानी कि फिफ्टी टेंस है तो ये फिफ्टी हो गया और नाइन वंस है तो यहाँ पे नाइन हो गया इस तरीके से। अब लेते हैं सेवन, यहाँ पे टेंस की डिजिट कौन सी है सेवन, तो हम यहाँ पे सेवन लिख देंगे और यहाँ पे नाइन की डिजिट कौन वंस की डिजिट कौन सी थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे। अब टेंस कितना है सेवेंटी, सेवन कितना है टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेवेंटी प्लस थ्री। ओके अब नीचे देखते हैं राइट द शॉर्ट फॉर्म, पहले हमने इनको बड़ी डिजिट में एक्सपेंडिंग में करा है, अब हम इन्हें शॉर्ट में करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ फाइव टेन एंड थ्री वंस, तो फाइव कितनी बार है टेंस बार प्लस थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी थ्री। जीरो टेंस प्लस नाइन, यहाँ पे ये जीरो मतलब वन प्लस टेंस कितना हो गया नाइन, कितना हो गया वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइनटीन, ठीक है ना। वन टेन, वन टेन मतलब टेन, और सेवन कितना है अब आ गया आपको करना है।